अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम सुबह सुबह का टाइम है, तो फार्म पे ब्रीड आई है, शेटी ने बचे दिए हैं, तो अब हम उधर जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम इस टाइम रिंग रोड पे हैं। ये तकरीबन सुबह 6:30 का टाइम है, तो अब जाके देखते हैं क्या सीन है। ये आज टैसल भाई भी है मेरे साथ, फैसल भाई को इस टाइम नींद बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, उनको होश ही नहीं है। तो अब आपको मिलते हैं फार्म पे जाके। तो गाइस हम पहुंच गए हैं फार्म पे। तो ये देखें, तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हैं। तो अब जाके देखते हैं क्या सीन है, क्या सूरत हाल है, फीमेल ने फीड वगैरह करवाई है या नहीं करवाई। तो ये देखिए सामने गेट है, पीछे देख तुझे बैक देख बैक। तो ये देखिए गेट खुल गया, अब अंदर एंटर हो गए हैं, चलते हैं बच्चे वगैरह देखते हैं। जा तो अब चलते हैं उसके केज की तरफ जहाँ पे बच्चे हैं। तो ये देखिए किधर है फीमेल, किधर है बच्चे। ये देखें ये है फीमेल, चलाए हे। तो ये देखें अब इसको बाहर निकालने हैं, फिर इसके क्या नाम लेते हैं, पीछे केज में रूम में जाके इसके बच्चे वगैरह देखेंगे। तो ये देखें फाइनली ये बाहर आ गई है, चलते हैं इसके केज की तरफ। ये देखें कैसे ये अटैक कर रही है। अब चलते हैं इसके केज की तरफ, अंदर जाके इसके रूम में देखते हैं बच्चों ने फीड वगैरह ली है या नहीं ली। ये देखें ये भी शेर है इधर, ये देखें ये डॉग्स वगैरह हैं, ये एंजॉय कर रही हैं अपना पानी में। तो अब चलते हैं अंदर। तो ये देखें अब इसके रूम में आ गए हैं, खोलो दरवाजा। ये देखें ये बच्ची हैं, एक बच्चा तो डेड लग रहा है। अंदर आ इसको दिखा दो, ये मर गया, अकर गया, अकर गया, मर गया। तो ये देखें ये एक बच्चा एक्सपायर हो गया, ये खोल नहीं रहा, ये दांत वगैरह लगे हैं इसका। ये देखिए जो कट है, क्या है ये नाव है, नाव है। बाकी ये तीन बच्चे बचे हैं, देखें ये अब तीन बच्चे बचे हैं, एक डेड हो गया। तो अब अगर इन्होंने फीड ली हुई, इनको चेक करते हैं, अगर इन्होंने फीड ली हुई तो इनको इनकी मदर के पास छोड़ देंगे, अगर ना ली हुई तो इनको उठा लेंगे।
तो ये पकड़ाते हैं मोबाइल जैसे। फेड तो मेरा ख्याल है थी ना ली। फेड थी ना ली तो ये हमने फैसल भाई को बुलाया दोबारा चेक करने के लिए क्योंकि फैसल भाई सीनियर है। ये कम है इसमें भी नहीं है नेचुरली है फेड नहीं है। उठा लें फिर इनको क्योंकि वो बार बार बाहर जा रही है फीमेल। अगर फीमेल बार बार बाहर जाए तो ये इसका मतलब है फीमेल ने फीड नहीं करवानी। अगर फीड करवानी होती तो एक बच्चा जो मरा है वो भी ना मरता। तो इससे पहले ये भी इनको भी कुछ हो इनको उठा लेते हैं इनको घर लेके जाते हैं इनको हैंड फीड से इनको करते हैं। तो ये देखें चलो उठाओ बच्चे हमने उठा लिए हैं तो अब इनको पहले फीड करवाते हैं इधर ही चेक करते हैं फीड करवा के उसके बाद इनको घर लेके चलते हैं। तो वो देखें वो बच्चे लेके जाते हैं वो दूध वगैरह ले रहे थे साथ ही। तो अब चलते हैं ये देखें ये है फीमेल ये देखें अंदर लेके चलो इसको पहले फीड करवाएं। ये फीड रेडी हो गया तो ये अब इनको खिला के चेक करते हैं। 20 इसमें डाल ये फी बच्चे को देते हैं 20 ml। तो पहले ये देखें इस बच्चे को खिलाते हैं क्योंकि ये पहले पहले थोड़ा टाइम लेते हैं फीड पे लगने के लिए फीड पे नहीं लगते ये इतनी जल्दी। ये दो तीन दफा इनको खिलाएंगे तो फिर ये फीडर पे लगते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको ट्राई करना पड़ता है। दूसरे बच्चे ने भी नहीं ली अब तीसरे को बुला के चेक करते हैं। कोई भी दूध पीने के मूड में नहीं है तो गाइस बच्चे रखने लगे हैं। अब बच्चे रख के तो निकलते हैं घर घर जाके इनको फीड वगैरह करवाते हैं। रखो अंदर दूध वगैरह भी लेके आया इनका। तो ये देखें ये बच्चे रख दिए हैं ये हो गई टिक्की बंद। तो गाइस बच्चे वगैरह रख लिए हैं तो अब घर की तरफ चलते हैं घर जा रहे हैं। अब घर जाके इनको दोबारा फीड करवाएंगे तो ऐसे ही इनको तीन चार दफ़ा जब फीड करवाएंगे उसके बाद ये अपनी रूटीन पे आ जाएंगे ये फीड प्रॉपर पीने लग जाएंगे दो तीन दफ़ा। थोड़ी सी मेहनत होती है शुरू शुरू में इनको फीड। तो अब हम घर जा रहे हैं आपको मिलते हैं घर जाके। तो अब ये ड्राइव करनी है थोड़ी सी तो तकरीबन घर जाके मिलते हैं अब आपको।
फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं इसका, आगे क्या करना है कैसे होगा। तो गाइस हम घर आ गए हैं, तो ये देखें ये हमने बच्चे रखे हैं, तो अब इनको दूध पिलाने लगे हैं। ये देखें ये भी वाइट लाइन है, एक ब्राउन है, और ये हमारा जो ड्रैगन था ये वो है। तो अब इसको दूध पिलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। निकालो बच्चों, दूसरे को खिलाते हैं। तो ये देखें ये अब दूसरे बच्चे को खिला रहे हैं।